एक व्यक्ति रेडियो चला रहा था, सुनना था उसको एक विशेष समाचार को, और वह स्टेशन ढूंढ रहा था। फिर इसके उपरांत उसने चालू कर दिया तो वह स्टेशन कुछ बोल तो रहा था किंतु उसके साथ दूसरा भी कोई सुनने को मिल रहा था। देखो मध्याह्न में आप लोगों को स्थान मिलेगा, मध्याह्न में आप लोगों को स्थान मिलेगा, यहाँ पर जितने हैं उसी में आप कर लो। आप लोगों को रेल में चढ़ना ही नहीं चाहिए था, अब चढ़ गए हैं, बिना टिकट के भी आए हैं। अब सुनो, वह सुनता सुनता कुछ दूसरा भी सुनने लगा। उसको ऐसा ज्ञात हुआ, संभव है ये दोनों स्टेशन एक साथ चालू है, एक ऐसी बात हो सकती है। तो दूसरे उसके मित्र ने आकर के देखा, देखो जिस स्टेशन पर ये गीत लगता है आप जो सुनना चाहते हैं नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वह भी वहीं पर पास है, लेकिन एक बाल का अंतर होने से विविध भारती से सिलोन का स्टेशन चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को गणित में या भूमिति में समझाया गया होगा, दिशाएं कितनी होती हैं? चार। हाँ, चार को बात। और विदिशाएं कितनी होती हैं? कौन से विद्यालय में आप पढ़े हैं? क्या आपको तो बोलना तो पड़ेगा, दिशाएं तो चार ही होती है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, किंतु विदिशाएं 356 होती हैं। समझ में आ गया? इसलिए हम कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं उसको उस स्थान में समझें, उस काल में समझें, उस हेतु से समझें और दूसरे को समझाना बंद कर दें, तब कहीं जाकर के हम इष्ट दिशा में पहुंच सकते हैं। 356 क्यों, यह विचार तो आप करिए। पूर्व तो पूर्व में ही होगी, किंतु पूर्व से एक बालमान कण का भी अंतर आएगा वह विदिशा के कोटि में चला जाएगा, उसको हम दिशा नहीं कह सकते, उसको हम विदिशा कहेंगे। आप लोग आए हैं, कहाँ से आए ये पता नहीं, जाना है ये पता है, लेकिन कहाँ जाना ये पता नहीं। और आप बिना पता की यात्रा करते हो, हाँ,
घर वाले यदि फोन कर दे तो कैसे बताओगे आप? सोचो, विचार करो, कौन सी गति से आप आए हैं ये ज्ञात नहीं, कौन से गति में जाएंगे ये ज्ञात नहीं है, तो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, आप पागल तो नहीं है? महाराज, हम तो दिमाग वाले हैं और हमें आप पागल कह रहे हो। तुम कैसे पागल हो? ये कविता छोटी सी लिखी थी। तुम कैसे पागल हो? तुम कैसे पाग लहो? पाग मिले रास्ता, आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? क्योंकि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति मेरी दिशा सही कहता है, किंतु वह कोने कोने में ही चला जाता है, सही दिशा में नहीं आ पाता, नहीं जा पाता। सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किंतु सही दिशा में यदि सुना हो, निश्चित रूप से संसार से भयभीत हुए बिना नहीं रह सकोगे। क्या आपने काल की छोर के बारे में कभी सुना है? पर क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ाया जाता आप लोगों को? क्या कभी आपने क्षेत्र विषय अथवा यूं कह दो इस क्षेत्र का अंत कहाँ होगा, यानी आकाश का अंत नहीं होता और एक प्रकार से काल का अंत नहीं होता, प्रति समय काल के निमित्त से आप चल रहे हैं, किंतु आप गंतव्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। गंतव्य तक यदि नहीं पहुंच पाए तो आगे क्या ठिकाना है आप लोगों का? आप किसी को मित्र बनाना चाहो, आपसे भी ज्यादा वह बड़ा पागल है। दूसरे को और चाहो, उससे भी और पागल मिलेंगे। आपकी दृष्टि कैसे समीचीन बनेगी? मैं पागल नहीं हूं। काल के छोर या जिसने नहीं देखी, क्षेत्र के छोर जिसने नहीं देखी, देखने का प्रयास करो तो आप अपनी आप ही आंखें बंद कर दोगे। ये क्या है? बीज अंकुर के हमने एक दृष्टि आपको दी थी कि आप नए नए व्यक्ति आए हैं तो हम पूछ और सकते हैं, जिन्होंने सुन लिया उनको भी याद है क्या नहीं ये पूछ सकते हैं। बताओ, बीज पहले है क्या वृक्ष पहले है? हैं, सोच करके उत्तर देना। बीज, बीज आया कहाँ से? छोटा सा तो हमने प्रश्न आपके सामने रखा है। कोई कह देगा वृक्ष पहले था, तो वृक्ष आया कहाँ से? बीज से।
बीज बोते हो अंकुरित तो होता है, बीज गायब होता है, पौधा खड़ा हो जाता है। लेकिन पूज का वो बीज का वह बोध दिला रहा है, मैं उस बीज का फल हूँ, संतान हूँ और संतान आगे होंगे, इसमें से बीज निकलेंगे। तब फिर ऐसी स्थिति में आप संसार में भटक रहे हो, सही गंतव्य तक कब पहुँचोगे? तो आचार्य कहते हैं बीज को नष्ट किया जा सकता है। एक बार बीज अंकुरित होने की योग्यता को खो देगा फिर उसका अंत हो जाएगा। आप राग द्वेष कर रहे हैं, इसके पीछे भी यही हेतु है। भूल करके विपरीत दिशा में पुरुषार्थ किया जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, उसका फल सही नहीं मिलता है, तो पुनः राग द्वेष हो जाते हैं और इसके कारण कर्मों का फल बंध को प्राप्त हो जाता है। इस बंध के साथ आप लोग अंध होकर के अभी प्रवास कर रहे हैं। आपको ही नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसी लाइन। कौन ऐसा बचा है? तो वही बचा है जो भगवत स्वरूप है। हमारे पास भगवान बनने की क्षमता तो है, किंतु ऐसे भी जीव हैं जिनके पास भगवान बनने की क्षमता नहीं है अथवा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम अभी भी अधूरे हैं, हमें पूरा होना है। तो अवश्य ही इसको याद करना होगा। प्रश्न हमेशा हमेशा हमें गाफिल करते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी बताया तो बीज और वृक्ष की यात्रा में हम खो जाते हैं। हमारा पूर्व भव क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, था क्या नहीं बताओ। दादाजी है तो परदादाजी भी है, परदादाजी भी है तो सरदादा भी है। ये यात्रा दादाजी की बहुत बहुत दिन से चल रही है। हम उसी लाइन में हम भी आ गए, अंत नहीं है। इसी को मैं कह रहा था, इससे पहले आप कौन थे? यह उत्तर तो आपको सही नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, अक्षय अनंत जो ज्ञान के भंडार है उनके माध्यम से यह सब उत्तर मिल सकते। वो कैसे बने इसकी खोज तो आप कर सकते हो, किंतु उससे पहले वो भी कौन थे वो स्वयं बता नहीं सकते। भगवान तो सब जानते हैं महाराज, भगवान सब जानते हैं, किंतु अंतिम कौन सी प्रज्ञा थी उसका भी कोई अंत नहीं है। ऐसा यह अनंत का मामला है। वो भी यही कहते हैं उससे पहले भी अनंत थे। अनंत का अर्थ अंत जिसका नहीं होता है। इससे एक शांति मिलती है कि हमारा कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो हम मरण के भय से जो डरते हैं वह पागलपन है क्या नहीं?
जब हमारा मरण नहीं, हमारा अंत ही नहीं, हम अनंत हैं, ऐसी स्थिति में डरने की बात बिल्कुल बेकार की बात है। जब डरना है, जब मरना ही नहीं है, तो डर किस काम का? कहीं मर ना जाऊं, ये भूत लगा हुआ सबके पीछे, इसको उतारने के लिए झाड़ू चाहिए। जो झाड़ू लगाएंगे उनसे ये ठीक होगा। भगवान हमारे सामने हैं, उनको देखने का हम प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, किंतु उनका स्वरूप भी हमें इन आँखों का विषय नहीं बनता। केवल ये कह सकते हैं, इसके भीतर भगवत पद से विराजमान अरहंत पद विष्टि है। कैसे है, क्यों है? जो राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जो भीति का अनुभव नहीं करता, वे तो हमारे भगवान हैं। उनको देख करके, उनको जान करके, उसी स्वरूप में आने का प्रयास हम करते हैं देव दर्शन करके। आप लोगों ने यहाँ पर आ करके भगवान को देखा होगा। नहीं समझे, भगवान वैसे बहुत दुर्लभ होते हैं। हमें भी एक बार मिला अवसर, तो यूं करना पड़ा। तब लगा वस्तुतः भगवान बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे क्यों किया? अरे दुर्लभ वस्तु तो ऐसी ही होती है, नहीं तो आप बाजार बना दोगे। बाजार में तो साग सब्जी खरीदते हो, भगवान को खरीद नहीं सकते हो। वहां पर खड़े हो जाओ लाइन पर, तो भगवान मिलेंगे। कब मिलेंगे? लाइन पर रहोगे तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। यही इसी क्षेत्र का मात्र अतिशय है, और कहीं भी जाओ ऐसे लाइन लगती नहीं। किंतु यहाँ पर लाइन में रहने के उपरांत भी हम थकते नहीं। अब हो जाएगा। वहाँ पर घूस देने का प्रयास न करें, क्योंकि वहाँ पर कभी घूस मिलती भी नहीं और दे भी नहीं जाती है। क्योंकि ये भूख भी लगना और भीख भी मांगना, ये तो सब हम लोगों की बात है। वस्तुतः तो भगवान शांति के साथ बैठे हैं। हमेशा हमेशा हमारे भगवान किसी आसन पर बैठे नहीं, इसका दृश्य यदि हम देख सकते हैं तो अच्छे क्षेत्र सिरपुर में ही देख सकते हैं। ये भी सुनो, इस महाराष्ट्र में 5-6 सिरपुर है, तो वो जो कभी टिकट खरीदने वाला होता है वह दुनिया के पास या और कहीं किसी के पास, और उनके पास कौन सा गाँव है? मालेगांव। मालेगांव में 5-6 हैं, बताते हैं। ऐसा ये महाराष्ट्र है, हमें भी बहुत दुर्लभता से मिली है। हमने तो वंदना की है, और आप लोग भी अच्छे ढंग से वंदना कर लो। जहाँ से आयो उनको कह दो अद्भुत है, दुर्लभ है। ऐसे ही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन है। आयुषा परमो धर्म।